खुशबू ऐसी कि पड़ोसी भी सुनकर दौड़े दौड़े घर चले आए। बिना लहसुन प्याज के ये भंडारे वाली सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत जल्द बन जाने वाली। तो ये भंडारे की सब्जी हम कैसे बनाए हैं ये जानने के लिए आपको बने रहना होगा मेरे वीडियो में। चलते हैं बनाने पूरी वाले भंडारे वाले आलू की सब्जी जो पूरी के साथ खाया जाता है। भंडारे वाले आलू की सब्जी बनाने के लिए यहाँ हम खड़े मसाले लिए हैं, जीरा, काली मिर्च, सौंफ। तो इसे हम हल्का रोस्ट करेंगे, हल्का सा इसे रोस्ट करके दरदरा पीस लेना है। मसालों को हमने निकाल लिए हैं और अब इस कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। इसमें हम साबुत जीरा डालेंगे, दो सूखी लाल मिर्च और एक तेज पत्ता और थोड़ा सा हींग डालेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च और ये टमाटर, टमाटर को बारीक काट लिए हैं और इसे मिला लेते हैं। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, तो एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखा नहीं होता है, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो मसालों को हम टमाटर के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले भून गए हैं, अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी और तैयार किया हुआ वो मसाले जिसे हम दरदरा पीस लिए हैं, और इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और ये देखिए मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं, मसालों से तेल अलग होने लगा है। और अब इसमें हम डालेंगे उबले हुए आलू। तो आलू को हम इस तरह से हाथ से तोड़ के डालेंगे, इस तरह से। और आलू को मसालों के साथ 2 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। आलू को मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लिए हैं, और अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो आप अपनी पसंद से जितना ग्रेवी पसंद करते हैं उतना ही पानी डालिएगा। वैसे भी भंडारे वाले आलू की सब्जी तड़ीदार ही होती है। तो अब इसे हम ढक देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम 10 मिनट अच्छी तरह से पकने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। वाओ, ये देखिए, ये हमारी सब्जी की रंगत देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, और स्वाद ऐसा कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इतनी स्वादिष्ट लगती है ये भंडारे वाले आलू की सब्जी, जिसे आप गर्मा गर्म पूरियों के साथ खा सकते हैं। इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे, और अब इसमें हम धनिया की पत्ती डाल देते हैं, और गैस का फ्लेम हम बंद करते हैं। और चलिए इसे सर्व करके दिखाते हैं। ये हमारा गर्मा गर्म भंडारे वाली सब्जी बनके तैयार है। आप इसे पूरियों के साथ बहुत शौक से खा सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से भंडारे वाली सब्जी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।